हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। मेरा नाम इशाक है। तो आज का वीडियो में हम कमेंट्स के लेकर कुछ करने वाले हैं। बहुत दिन से मेरे को कमेंट्स में सेंट्रल सिस्टम को लगा के दिखाइए टाटा नैनो में करके बहुत कमेंट्स आए हैं। तो उसके चलते मैं आज टाटा नैनो में सेंट्रल लॉक सिस्टम लगाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है कि मेरे गाड़ी में जब चाबी लगा के डोर पे अनलॉक करेगा तो चारों डोर का लॉक्स मेरे खुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें रिमोट नहीं है। हम लोग आज वो कीलेस एंट्री सिस्टम को लगा के दिखाने वाले हैं। तो टाटा नैनो में मैं सेंट्रल लॉक लगाने के लिए मैं चूज़ किया है ब्लैक कैट सेंट्रल लॉक सिस्टम। इसमें क्या है, हम लोग को वन डोर और फोर डोर का ऑप्शन में मिल जाता है। मेरा क्या है, मैं वन डोर का सेलेक्ट कर लिया हूँ क्योंकि मेरे को या ड्राइवर साइड का डोर को ऑपरेट करने से चारों डोर्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है। तो इसीलिए मैं वन डोर मॉडल को मंगवाए हूँ ऑनलाइन से। उसी से क्या है, हम लोग को रिमोट मिल जाता है। रिमोट से हम लोग गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो आज हमारा वीडियो में उसको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ उसका डिटेलिंग देने वाला हूँ। उसके साथ हम लोग टाटा नैनो में कैसा इंस्टॉल करना है वो भी आपको करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यही ब्लैक कैट का रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। ये मैं ऑनलाइन से मंगवाया हूँ, उसका बिल है। ये आके वारंटी कार्ड है उसका, तो ये दोनों साइड में रख देंगे। अभी ये देखने से, ये खोल के देखने से इसमें इसके बारे में सारा डिटेलिंग और ड्राइंग दिया है कैसा कनेक्शन करना है करके, तो इसके भी साइड में रख लेते हैं। और इसमें तो सबसे पहला इसका जो रिसीवर और दो कीली दिया है, रिमोट्स दिया है, तो इन दोनों को निकाल के साइड में रख लेते हैं। ये वाला एक डोर स्विच है और एक बोनेट स्विच है, इसको भी साइड में रख लिया। ये वाला है हम लोग का रिवर्स हॉर्न के लिए और लॉक अनलॉक हॉर्न करने के लिए। और नीचे अगर देखेंगे तो हार्नेस दिया, वायरिंग हार्नेस। ये पूरा ये मॉड्यूल से लगने वाला है, एग्जैक्ट उसमें बैठ जाएगा, उसके बाद में चेक करेंगे। ये एंटीना के लिए दिया है, ये काके डोर गन के लिए दिया है, इसको हम लोग गन बोलते हैं। इसमें दो वायर रहते हैं, एक ब्लू और ग्रीन, और उसके साथ एक एक्सटेंशन रॉड दिया है, उसी से हम लोग पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे तो इसके साथ में हम सारा चीज़ को एक बार जोड़ के देख लेते हैं एज़ पर ड्राइंग। वो सामान जो आया है वही है कि नहीं, एक बार हम लोग को चेक करनी है। तो हम वायरिंग हार्नेस को पूरा निकाल के एक बार चेक कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इधर मेरे को एक लाल वाली वायर मिली है विथ फ्यूज़ इसमें है। रेटिंग लगभग 20 एम्स का फ्यूज़ है इसके अंदर में, ठीक है। यही मेन सप्लाई हो सकता है, इसमें मेन सप्लाई हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक जैक भी दिया है, अगर नहीं चाहिए तो उसको निकाल सकते हैं, चाहिए तो लगा सकते हैं। और बाकी वाला वायर हम लोग देखेंगे तो इधर एक तीन तार एक जगह से आया है, इसको साइड में रखा हूँ। और एक वायरिंग हार्नेस ये है, हमारा डोर में जब लगता है गन, उस गन का वायरिंग किट है। ब्लू और ग्रीन का वायर्स दोनों रहेंगे। एक कपलर दिया है, एक मेल एक फीमेल कपलर आके या दूसरा वायरिंग हार्नेस में मिल रहा है, तो उसमें हम लोग को कनेक्ट कर देना है। दूसरा आके दूसरा एंड हम लोग को डोर गन में आके लगता है। लोग देख सकते हैं ये जो डोर गन है, इसको नॉर्मली डोर गन बोलते हैं। इसमें एक सर्वो मोटर रहता है, वही आपको आगे पीछे एक्चुअली वर्क होता है, वही डोर को खोलता है और लॉक भी करता है। तो इसमें जैसा कॉलर कोडिंग है उसके हिसाब से हम लोग को वायर्स को कनेक्ट कर देना है। तो हम लोग जस्ट एक ट्रायल देख रहे हैं। ये तो एंटीना वायर है, फिलहाल इसका यूज़ नहीं है, इसको हम लोग अभी साइड में रख देते हैं। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का सायरन। आप लोग को पता है सायरन हम लोग का लॉक अनलॉक करते समय चिल्लाएगा और रिवर्स हार्नेस डालते समय भी चिल्लाएगा। उसके लिए हम लोग को एक डार्क ब्राउन कलर कोड वाला एक वायर दिया है, उसके भी एक पिन दिया है, वो पिन से पिन कनेक्ट कर दिया हम लोग। तो अभी बाकी वाला वायर्स को एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है बोल के ड्राइंग के हिसाब से। इसके लिए हम लोग अभी ड्राइंग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग को ब्लैक दिखा रहा है, तो ब्लैक किधर है एक बार चेक कर लेंगे। तो ब्लैक है, ये गाड़ी का बॉडी में कहीं पे हम लोग को लगाना पड़ेगा। और दूसरा दो ब्राउन कलर है, ये दोनों ब्राउन हम लोग का लेफ्ट और राइट इंडिकेटर में लगने वाले हैं।
और तीसरा है सायरन में लगने वाला है, जैसे हम लोग कनेक्ट करके पहले एक बार देख लिया है, वो सायरन सायरन में लगता है। और फोर्थ वन है ग्रीन कलर, ये तो रिवर्स गियर में लगने वाला है। ये ऑरेंज वायर है, ये हम लोग का ब्रेक पैडल का स्विच के पास लगने वाला है। ये तो वाइट कलर, ये एसीसी में लगने वाला है। और ये ब्लू कलर वाला हम लोग को यूज़ नहीं करने वाला है, उसके बारे में उतना ज़्यादा मेरे को ही पता नहीं, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया हूँ। और ये जो ग्रे कलर है, ये तो डोर स्विच है, बॉनेट या डोर के पास कहीं पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं लगाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अभी सारा चीज़ को हम लोग फील्ड में लेकर जाके लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग गाड़ी के पास आया है, अभी आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग ड्राइवर सीट के तरफ से अगर गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने से सारा डोर्स भी ऐसे ही लॉक अनलॉक हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ड्राइवर साइड ही उसको गन लगाने वाला हूँ। तो हम लोग को सारा डोर पैड को हटाना पड़ेगा, मैं पहले से पूरा लूज़ करके रखा हूँ, तो पूरा निकाल के आपको दिखा देता हूँ प्रोसीजर को। आपको भी इसी तरह आपका डोर पैड्स को निकालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग को डोर पैड्स को हटाने के लिए एक इनसाइड का हम लोग को डोर हैंडल को हटाना है, और साथ ही साथ आर्म रेस्ट को हटाना है। उस दो स्क्रू हटाने के बाद हम लोग का डोर पैड्स लॉकिंग्स रहते हैं, उस लॉकिंग्स को खींचने से सारा डोर पैड निकल के हाथ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग डोर पैड अभी निकाल दिया है। ये सारा स्पीकर का और डोर लॉक अनलॉक का हम लोग का जो वायर्स है, लोग देख सकते हैं इसके अंदर कहीं एक्चुएटर होगा, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। उसी एक्चुएटर से सारा डोर्स लॉक अनलॉक भी हो रहा है, तो एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ है बोल। तो फ्रेंड्स, यही वो एक्चुएटर मोटर है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर है, कंपनी वाला इस तरह देता है, नॉर्मल गन नहीं देता है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को गन लेके गन को उसी उसी से जो रॉड आता है, उस रॉड से पैरेलली हम लोग को गन को लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं जहाँ वो लॉक अनलॉक करने वाला रॉड आ रहा है ऊपर में, उस जगह मैं गन को नाप के पैरेलली कनेक्ट करने का भी प्लान बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी गन कहाँ लगाना चाहता हूँ उस जगह मैं दो होल कर दिया हूँ, वो गन को सपोर्टिंग करते हुए दो स्क्रू डालना पड़ेगा, उस जगह मैं होल्स करके अभी उसको फिक्स कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरह गन अंदर लगाना चाहते हैं तो आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो ग्लास रहता है मिरर, वो उसको टच नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से स्पेस थोड़ा मेंटेन करके लगाना पड़ेगा, तो आप देख के थोड़ा एडजस्ट करके लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक्सटेंशन रॉड को लगा रहा हूँ। एक्सटेंशन रॉड को लगाने के लिए उसका नाप की उसी हिसाब से जो अनलॉक लॉक करने वाला रॉड है, उसी से पैरेलली इसको साइड बाय साइड लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो अभी रॉड को एक्सटेंशन रॉड को कट करके उसके हिसाब से लगा रखा है। अभी इसको जोड़ने के लिए हम लोग को एक लिंक पिन का ज़रूरत होता है, वो ये है, वो दोनों रॉड को पकड़ के रखने वाला चीज़ यही है, यही लिंक पकड़ के रखेगा। इसमें स्क्रू सिस्टम रहता है, स्क्रू डाल के दोनों को जोड़ देना है, तो एकदम फिट हो जाएगा वो। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का काम शुरू होता है, मेन काम जो हार्नेस को रेडी करने का। तो अभी जो गन डाला है, उस गन के लिए हम लोग को केबल डालना है,
केबल जो दिखाया था स्टार्टिंग में वही ये केबल है, ग्रीन ब्लू कलर वाला। तो इसके लगा देते हैं, लगा के वो डोर के वायरिंग के थ्रू कैबिन के अंदर पहुंचनी चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग को देख के वायरिंग अच्छा से ड्रेसिंग करते हुए अंदर लेकर आना है। तो अभी मैं वो कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं तो ये जो वायरिंग कनेक्शन है उसको पूरा डोर के थ्रू सारा वायरिंग के साथ देख सकते हैं, इधर से बाहर निकाल के फिर इधर से बॉडी के अंदर किया है। उसके हिसाब से हम लोग को केबिन के अंदर ये वाला कपलर पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, अभी टाटा नैनो में सारा वायरिंग ड्राइवर सीट के पास ही रहता है, मैक्सिमम सब गाड़ी में भी ऐसा ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा वायरिंग हर सारा सिग्नल्स के लिए, लाइट्स के लिए, सारा चीज़ के लिए यही मेन सर्किट है। अभी सारा सर्किट्स में से हम लोग को जो जो वायर हम लोग को लगाना चाहिए उस वायर को हम लोग फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला हम लोग को जितना भी इसके ऊपर इंसुलेशन है, सारा इंसुलेशन को हम लोग को हटा के वायर्स को पूरा अलग अलग करके चेक करना पड़ता है। तो सारा इंसुलेशन हटाने के बाद उसके अंदर इस तरह हम लोग को वायर्स दिखेंगे। अभी एक एक वायर को हम लोग चेक करनी है। चेक करने के बाद उसमें हमारा जो रिसीवर, रिमोट रिसीवर का जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर का वायर्स को इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ड्राइंग के हिसाब से जो कलर कोडिंग है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ वायर लगना है उधर लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इधर ब्राउन देख रहे हैं, ब्राउन मेरा ऊपर ही है, दो दो आया है ब्राउन, एक लेफ्ट इंडिकेटर के लिए एक राइट इंडिकेटर के लिए है। तो दोनों दो जगह लगाना पड़ेगा अभी हम लोग को। और उसके बाद डार्क ब्राउन वायर उधर बोल के लिखा है, वो डार्क ब्राउन वायर हम लोग को इधर मिल रहा है। तो ये वाला हम लोग को साइरन में जाएगा, मतलब तो जो साइरन दिया है उसमें लगाना है। सो अभी ड्राइंग में रेड कलर दिखा रहा है, रेड कलर वायर हम लोग को मेन है, वो मेन में लगाना है। उसमें 24 आवर्स कंटिन्यू सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा जगह हम लोग को कनेक्शन करनी है। इसके अंदर एक 20 एम्स का फ्यूज़ भी दिया है, वो उधर लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग बाकी वायर्स को भी एक बार चेक कर लेंगे। अभी इधर ग्रीन है, ग्रीन तो हम लोग को रिवर्स लाइट में लगानी है, वो भी एक बार दिखा देता हूँ। लोग देख सकते हैं इसमें एक ग्रीन वायर है, ये रिवर्स हॉर्न के लिए है। इसको रिवर्स लाइट के लिए सप्लाई जहाँ से जाता है उधर लगाना है। और उसके बाद हम लोग को जो बचा है ऑरेंज, ऑरेंज तो हम लोग का ब्रेक पेडल के पास एक तो वायर है, उधर भी लगा सकते हैं। नहीं तो हम लोग पूरा ये सर्किट का जहाँ बंच ऑफ वायर जा रहा है उसमें से भी हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है वाइट है, वाइट है इग्निशन एसीसी में लगाना है करके है। तो ये क्या है, की घुमाने के बाद ही उसमें सप्लाई आनी चाहिए, ऐसा वाला वायर हम लोग को ढूंढ के उसमें ये वाला वायर को जोड़ देना है। सो फ्रेंड्स, अभी दो वायर बचा है, एक ब्लू है और एक ग्रे है। ब्लू का वायर को हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। और उसी तरह जो ग्रे है, वो ग्रे में तो हम लोग का डोर स्विच लगता है, लेकिन हम लोग का डोर स्विच का भी ऑप्शन नहीं है टाटा नैनो में, इसलिए उसको नहीं लगा रहा। अभी मैं काम शुरू कर दिया हूँ। हम लोग को अभी दो ब्राउन कलर का वायर्स लिया हूँ जो सिग्नल इंडिकेटर्स के हैं, उसको सर्च कर रहा हूँ अभी मैं। उसको सर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक टेस्ट लैम्प बनाना पड़ेगा 12 वोल्ट्स का। आप लोग देख सकते हैं मैं बना लिया हूँ। इसमें क्या है, हम लोग एक टर्मिनल माइनस वाला टर्मिनल को चाबी से हम लोग कनेक्ट करके हम लोग का की होल में घुसा के रखना पड़ेगा। जब वो बॉडी अर्थड होगा, ठीक है, माइनस वाला उधर से मिल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी दूसरा एंड में उसी बल्ब का दूसरा एंड में मैं क्या लगाने वाला हूँ, एक छोटा सा नाइफ लगाने वाला हूँ। दूसरा एंड में मैं नाइफ लगा के आपको दिखाता हूँ, देखिए।
ये वाला नाइफ लगा के रखा हूँ। हम लोग को क्या करनी है, किसी भी एक सिग्नल लाइट को ऑन कर लेना है। मैं अभी सिग्नल लाइट को ऑन कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं लाइट जल रहा है। तो अभी इस वायर को मैं फाइंड आउट करने के लिए इसी नाइफ से सारे तार के ऊपर हल्का सा एक बाइट रखते जाएगा, मतलब एक गार्ड रखते जाएगा। जहाँ से सप्लाई इस बल्ब को मिलता है उस समय मेरे को पता चल जाएगा कि ये वाला राइट साइड इंडिकेटर का वायर है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं एक जगह केबल को हल्का सा बाइट रखा हूँ तो लाइट जलने लगा है, मतलब एक ग्रीन कलर का वायर है, हमारा ब्राउन कलर वायर से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं अभी उसको जोड़ दिया हूँ। तो इसी तरह दूसरा वायर, दूसरा ब्राउन कलर वायर को भी हम लोग इसी तरह ढूंढ के उसको जोड़ देना है, मतलब दोनों सिग्नल लाइट्स का कनेक्शन तो रेडी हो चुका है। अभी मैं लगाने वाला हूँ मेन सप्लाई। अभी देखिए उसी तरह कंटिन्यू सप्लाई किस में आ रहा है बोल के मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें सप्लाई मिल रहा है। अभी चाबी पूरा तरह बंद करके भी देख लिया हूँ तो इसमें कंटिन्यू सप्लाई मिल रहा है। तो अभी इसको मैं थोड़ा से स्पेस करके इसमें भी मैं वो वायर को जोड़ देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग को ब्लैक कलर वायर को कहीं पे ग्राउंडिंग करना है। जो मेरा पास में इधर एक बोल्ट है, उस बोल्ट को मैं निकाल के उसमें मैं ये वाला ब्लैक वायर को जोड़ के फिर से वापस लगा देगा ताकि वो ग्राउंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मेरा ग्रीन, ऑरेंज, वाइट अभी ये तीनों बचा है, बाकी वाला कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अभी उसको ढूंढ के लगाना है। तो ग्रीन है रिवर्स लाइट के लिए, इसलिए मैं रिवर्स लाइट डाल दिया हूँ। रिवर्स लाइट डाल के अभी मेरे को सप्लाई किस में मिल रहा है बोल के ऐसे ही क्रॉस चेक करते जा रहा हूँ। जहाँ मेरे को सप्लाई मिल रहा है उस जगह मैं फिर से रिवर्स गियर को हटा के चेक कर लेता, अगर लाइट बंद हो रहे तो बाद में मैं कन्फर्म कर लेगा। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास बचा है एक ऑरेंज, एक ब्लू, एक ग्रे और एक वाइट कलर। तो वाइट कलर तो ACC के लिए जाएगा, ऑरेंज कलर तो ब्रेक में जाएगा और ब्लू मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए उसको डम्मी कर दिया हूँ मैं। अभी एक बचता है एक डीप ब्राउन कलर वाला एक वायर, ये तो सायरन के लिए जाता है। ये सायरन वाला वायर को अभी मैं कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरे को सायरन रखना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं दूसरा कुछ जुगाड़ बनाने वाला हूँ उससे। मेरा नेक्स्ट वीडियोस में वो आएगा तो उसको छोड़ दिया हूँ, उसका छोड़ दिया। और ऑरेंज, ऑरेंज आप देख सकते हैं, ऑरेंज भी मैं ब्रेक लाइट के साथ इधर ढूंढ के इसमें लगा दिया हूँ, ये ब्रेक लाइट का है, ठीक है। और वाइट इग्निशन स्विच है, वाइट कलर इग्निशन स्विच आप देख सकते हैं, वो भी इधर मैं कनेक्शन दे दिया हूँ इग्निशन के साथ में। सभी सब कुछ रेडी है, अभी हम लोग एक बार इसमें लगा के देखते हैं। ये डोर का भी है, ये जो डोर गन का है इसका भी पूरा कनेक्शन सबसे पहले इसी का काम किया है हम लोग, वो इधर से करके इधर लेकर आए हैं। इसको अभी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी कनेक्टेड है, अभी इसको मॉडम लगाएंगे। सो इसका रिसीवर अभी हम लोग लेके इसमें जो स्लॉट्स है उस स्लॉट्स के हिसाब से हमारे पास जो है वो कनेक्टर्स को लगा देंगे, बड़ा वाला बड़ा इसमें और छोटा कनेक्टर छोटा स्लॉट में। फ्रेंड्स, ये दोनों कनेक्टर लगाने के बाद हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो बस हम लोग का वायरिंग को अभी ठीक ठाक ड्रेसिंग करके अच्छा से हम लोग को कार के अंदर इन सारा सेटअप को रखनी है।
सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी इसके पीछे डबल से टेप लगा के मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह पूरा अच्छा से ड्रेसिंग करके पूरा मैट के पीछे छुपा के रख दे। सो फ्रेंड्स, सारा काम होने के बाद हम लोग जैसा था वैसा अभी इसको कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना नीट से हम लोग काम करके पूरा रख दिया हूँ, ठीक है। इस सेंट्रल लॉक को ऑपरेट करने के लिए दो रिमोट मेरे को मिला है, एक में फ्लिप की मिला है, एक दूसरा नॉर्मल रिमोट मिला है। फ्लिप की में मैं वो की को भी कटिंग करवा के इसमें रखवा दिया हूँ, अभी फ़िलहाल अभी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गाड़ी अनलॉक करके मैं दिखा देता हूँ, लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक दूसरा वायरिंग भी किया हूँ जो क्रेटा जैसा हॉर्न बजने के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।